चलते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन बातें। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 2012 में आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया था। आंदोलन की कोख से निकल के एक छोटी सी पार्टी देखते देखते एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन 11 सालों में जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 2 राज्यों में सरकार बनी और 2 और राज्यों में विधायक बने। आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है हर कोने में, चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग पूछते थे, आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला। एक पैसे की गल घेरा फेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। यह पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा। इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका। हमें गर्व है हमारे नेताओं पे। आज हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अपनी मातृभूमि पर एक क्या हजारों जिंदगी कुर्बान है, मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। आज हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। यही शपथ हमने रामलीला मैदान में 11 साल पहले ली थी। आज भारत का संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बने देश के संविधान को अपनाया गया था। इसी दिन पार्टी की स्थापना होना कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता। बाबा साहब और देश के उन तमाम शहीदों जिन्होंने देश की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका सबका एक ही सपना था, एक दिन भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, और यही आम आदमी पार्टी का सपना है। हमने हमेशा काम की राजनीति की है। 75 सालों में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी आई है जो कहती है कि हम सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक करेंगे, उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली पानी देंगे। यही हमारी देशभक्ति है। आज तक जहां हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे चुनाव होते थे, आज इस देश में शिक्षा पे बात होने लगी है, स्वास्थ्य पे बात होने लगी है। हमारे विरोधी चाहे हमें जितनी गालियां दें, आज वो भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति तो बदल के रख दी है। इसी सोच, इसी जज्बे को हमें आगे बढ़ाते रहना है। चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को और देश के हर आम आदमी को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय हिंद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी हैं और आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है आज। 11 साल आम आदमी पार्टी को पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, बीजेपी पर हमला करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तोड़ नहीं पाए, कोशिश बहुत की गई लेकिन पार्टी टूटी नहीं। खरीदने की कोशिश की गई बहुत लेकिन कोई भी नहीं बिका हमारी पार्टी से।